Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Adinte dua kharashe kharashe. पता नहीं गैस लीक हो रही है और लीकेज ज्यादा अच्छा नहीं है। नेक्स्ट लेवल का ही नशा होता है यूं मान लो अफीम ही सुंघा दी हो जैसे किसी ने। और अब आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं यहाँ की मेन गौतम बुद्ध की फोटो। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको और जूम। ये देखिए ये तीन फोटो हैं। इन तीन फोटो के लिए लोग यहाँ पे काफ़ी विज़िट करने आते हैं। और साइड में आप देख ही रहे हो ये एल्पाइनर्स रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं, एकदम पहाड़ के ऊपर तक जाते हैं, वहाँ पे कुछ ड्राइंग व्रॉइंग करते हैं, फिर वापस नीचे आ जाते हैं। भाई ये करने में भी है ना बहुत हिम्मत चाहिए होती है आपको, नेक्स्ट लेवल स्टफ है ये। ख़तरनाक व्यू नहीं है यार, उधर पहाड़ बीच में नदी, वापस इधर पहाड़ और इधर गौतम बुद्ध। ते बुद्धा हाँ रस या इंडिया द दीपांशु कट है विद कट बुद्धा दा तिब्बत्स की दा आवलो की तिश्वारा हाँ स्लेवा बुद्धा हाँ बुद्धा मिताभा तो प्रस्तुत है आपके सामने गौतम बुद्ध की प्रतिमा जिसको लगभग हजारों साल पहले यहाँ पे बनाया होगा। नीचे तिब्बतन में शायद कुछ ना कुछ मंत्र लिखे हुए हैं, मे बी ओम मानी पे मैं हूँ। मुझे सिर्फ तिब्बतन का ही की मंत्र आता तो शायद मेरे हिसाब से वही लिखा होगा। वो जो आपको सामने जगह दिख रही है वहाँ पे लोग प्रसाद वरसाद चढ़ाते हैं। तीन प्रतिमा बनी हुई है, एक इधर और एक इधर, तीन। बीच में शायद बीच वाले मुझे पता नहीं किसकी फोटो है यार, क्योंकि साइड वाले तो दोनों बुद्धा लग रहे हैं मेरे को, गौतम बुद्ध। बीच वाले जो बुद्धा हैं या फिर और कोई जिसकी भी हैं उनके चार हाथ दिखा रखे हैं इसमें और उनकी थोड़ी बड़ी बना रखी है, और साइड में जो दो बुद्धा हैं उनकी इमेज थोड़ी छोटी छोटी है। और अगर आपको मेडिटेशन करनी है तो इससे अच्छी कोई जगह हो नहीं सकती। तो जो बंदे क्लाइंबिंग कर रहे थे वो भी अब नीचे आ रहे हैं। उधर थोड़ा सा आगे दिख रहा होगा आपके भाई का कैंप, इधर एक और भाइयों ने कैंप लगा रखा है और इधर आ रखी है एक पूरी टीम। पहले मुझे लगा कि यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने कैंप लगा रखे होंगे, लेकिन अब पता चला कि यहाँ पे वो एल्पाइन जो बंदे ऊपर चढ़ रहे थे ना माउंटेन के ऊपर क्लाइंबिंग कर रहे थे, ये उनके कैंप है। ये हो गई यहाँ की एंट्रेंस जहाँ पे आपको 500 तेंगे पे करने पड़ेंगे, लगभग 60-70 रुपये यहाँ की एंट्री फीस है। ज़्यादा नहीं है एंट्री फीस, ये मान लीजिए 70 या 100 रुपये मान लीजिए। और ख़तरनाक जगह है यार, यहाँ पे आप कहीं पे भी कैंपिंग कर सकते हो, अपनी अगर अपनी गाड़ी लेके आते हो ना तो और भी चीज़ें मस्त हो जाती हैं। ये है भाई साहब यहाँ की एंट्रेंस तमगलेतास। इधर जो भाई साहब वो टिकट विकेट वाले बैठे रहते हैं यहाँ पर, मैं अभी उनके साथ बातें कर रहा था। तो इस जगह का नाम है तमगलेतास, इली रिवर इस नदी का नाम और इस जगह का नाम है जित्सु। इधर लिखा हुआ है इट ऑलवेज बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ एंटायर रीजन, पीपल हैव लिव्ड ऑन इट्स बैंक सिंस एंशिएंट टाइम, सिंस वाटर ऑलवेज बीन रिसोर्स। ठीक है, द वैली ऑफ द इली रिवर हैज़ प्रिजर्व्ड वैरायटी एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स एंड पीपल्स, दीज आर बरियल्स, एंशियंट सेटलमेंट्स, रॉयल टूम्स, रॉक पेंटिंग्स। द तमगलेतास ट्रैक is one such piece of evidence. तो तमगलेतास जैसी यहाँ पे और भी जगह हैं जहाँ पे आपको इस टाइप की पेंटिंग्स मिल जाएंगी। ये
पूरा जो इस टाइप का सीन है ना कि दोनों तरफ माउंटेन्स और बीच में नदी बह रही है, ये लगभग यहाँ से यूँ मान लीजिए 80 से 90 किलोमीटर का सीन है ऐसा, कि बीच में नदी और दोनों तरफ पहाड़। और यहाँ पे जो भाई साहब हैं यहाँ पे काम वाम करते हैं और उनके साथ अभी मैं बातें वाते कर रहा हूँ। ते रबोते रबोते अधीन ते दुआ चिलाविक अधीन ते दुआ खरोशे खरोशे कुशित ते फिर कत्ती जबूत नूरबुलात नूरबुलात। तो नूरबुलात भाई साहब यहाँ पे सिक्योरिटी का काम करते हैं शायद, और एक और भाई साहब थे जिन्होंने मुझे टिकट दी थी, वो अभी शायद इधर उधर चले गए होंगे, खाना वाना ये सब यहीं पे बनाते हैं। अत वो दा लेकिन पानी अच्छा तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन मेरे को अपने बर्तन वर्तन धोने हैं तो शायद मैं उधर जा सकता हूँ। भाई ये जो मेरे बर्तन है जिनको मैंने उधर भूजा था जब गया था धोए नहीं थे, अंडे बनाए थे और अभी तक वो साफ नहीं किया था, तो इसको धोने हैं अभी यहाँ पे। अंधेरा भाई ठीक ठाक हो गया, आगे जो आपको लाइट दिख रही है ना वहीं पे वो सिटी है नोमैड सिटी जो रशियन फिल्म के लिए बनाई थी, और नदी के आसपास ऐसी ऐसी जगह बना रखी है। इधर ये जो मेरे बर्तन थे ये भी धुल गए हैं, मैंने अभी नदी से थोड़ा बहुत पानी ले लिया क्योंकि मुझे अंडे उबालने हैं ना, और अंडे उबालने के लिए आप कैसे भी पानी यूज़ कर सकते हो, इस पानी का उपयोग नहीं क्योंकि इतना साफ़ नहीं है यार, ये दिखने में साफ़ है लेकिन पर पानी उबालने के बाद तो नॉर्मल हो ही जाता है। देखता हूँ अगर टेस्ट अच्छा लगा तो थोड़ा पी के भी देख लूँगा वरना मेरे पास पानी काफ़ी है, ठंड में वैसे भी पानी कम यूज़ होता है। टेंट के अंदर आ चुका हूँ और दो दो टॉर्च ऑन कर लिए हैं, एक ऊपर ये यहाँ पे गाने वाने चल रहे हैं और दूसरी टॉर्च, और यहाँ पे अब मैं खाने बनाने की तैयारी करूँगा। बाहर सोच रहा था कि बाहर खाना बना लो लेकिन बाहर हवा बहुत तेज़ चल रही है तो लगता नहीं है बाहर बना पाऊँगा, हवा की आवाज़ आपको आ ही रही होगी, पीछे म्यूज़िक चल रहा है। और यहाँ पे यार अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आ रखा है क्योंकि यहाँ के लिए लोगों ने मुझे डराया नहीं है कि यहाँ पे ये मिलेगा वो मिलेगा, और यहाँ पे और लोग भी हैं तो कैंपिंग ये थोड़ी सुकून वाली होगी, आज उतना डर नहीं लग रहा है, मतलब ये इतनी वाइल्ड कैंपिंग नहीं बोल सकता मैं लेकिन कैंपिंग तो कैंपिंग है। ये भाई ये देखिए अंडे ऐसे पैक करके लेके आता हूँ मैं, पानी की बोतल दो लेके आया था मैं और इसमें समोसे वो भी खाऊंगा। ये छोटे वाला जो टेबल था वो मैंने बना लिया है, यहाँ पे जगह कम है यार तो इसलिए थोड़ी जगह की तंगी चल रही है, खाना मैं अंदर ही बनाऊंगा, बाहर हवा तेज़ चल रही है तो ये जो अपना चूल्हा ये ढंग से काम नहीं करेगा तो यहाँ रखूँगा। आज खीरे भी लेके आया हूँ मैं तो इन खीरों को कट करूँगा पहले, खीरे और टमाटर दोनों। अंडे उबालने तो इस पानी को मैं यूज़ कर सकता हूँ, नदी का पानी था ये, धोलिए खीरे को और धो लेता हूँ। आप लोगों को याद होगा जब मैं उधर भुजुरा में कैंपिंग कर रहा था, मैं सोच रहा था अगर मान लो भेड़िया वेड़िया आ गए तो मैं कत्ल कर दूंगा उनका, तो ये वही चाकू है। तो ये दो छोटी छोटी कटोरियाँ हैं और इनके अंदर मैं मेरा ये काटने वाला सीन का वो एक में रख दूंगा ये खीरे काट के, और एक में टमाटर। लग रहा है मेरी सलाद पूरी, अरे एक खीरा मैं सुबह के लिए बचा के रख लेता लेकिन कोई नहीं भी खा लेते हैं यार, टमाटर एक ही खा लूँगा। ये हो गया तैयार टमाटर और एक प्लेट में खीरा। अंडे उबालने के बाद है ना पानी भी उबालूंगा, चाय बना के चाय भी पीऊँगा साथ में, तो आज अच्छा डिनर करने वाला हूँ मैं। ये देखो भाई साहब हवा तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई है यार, पता नहीं गैस लीक हो रही है वो इसमें से लीकेज हो रहा है और लीकेज ज़्यादा अच्छा नहीं है यार।
खिड़की खोलनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा हवा खुशबू आ रही है गैस। मुझे लग रहा है स्टोव नया खरीदने का टाइम आ गया है, बहुत ज्यादा हो गई यार गैस की खुशबू, खुशबू बदबू जो भी बोल लीजिए आप। टेंट की बाहर वाली खोलूंगा तभी हवा अंदर आएगी, और जब तक हवा अंदर नहीं आएगी तो गैस की गैस जाएगी नहीं यहाँ से। हाँ भाई, जब कभी आप इस टाइप की चीज़ें लो तो उनके साथ है ना बहुत प्यार से काम करना चाहिए। गैस है भाई, हाईली फ्लेमेबल थिंग। तो एक अंडा ये हो गया, डाल दिया, पानी मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है तो निकाल लेता हूँ। नॉर्मल साइज से बड़े अंडे लेके आ गया, तब ये जो दो कवर से ना फट भी गए। अंडे उबलने स्टार्ट हो गए हैं भाई, कम से कम अभी 5 मिनट और लग जाएंगे, क्योंकि ढंग से उबलने देना है ना। ऊपर ढक्कन लगाऊंगा अभी, तो थोड़ा आपको दिखाने के लिए। इधर मस्त म्यूजिक चल रहा है, कैंप टेंट के अंदर भी थोड़ी गर्मी हो गई है क्योंकि यहाँ से हीट पैदा हो रही है। बस ध्यान में ये रख रहा हूँ कि कहीं कैंप ख़राब ना हो जाए, तो साइडों में से देख रहा हूँ कि हीट कहीं ज़्यादा तो नहीं जा रही है कहीं ना कहीं, तो जहाँ पे भी सेंसिटिव पार्ट्स हैं वहाँ पे हीट नहीं लग रही। इस टेबल का बहुत फ़ायदा है भाई। बस भाई अंडे तो ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं, अब इस गैस को एक बार कर देता हूँ बंद। अंडे हो गए तैयार, नदी का पानी यूज़ करके, इली नदी जो आती है चाइना से। ये है अपने अंडे तैयार, और अब मैं बनाऊंगा चाय। उसके बाद तो कुछ नहीं है, उसके बाद अपना खाना अभी का तो हो जाएगा तैयार, कल सुबह फिर अंडे बनाने हैं। तो एक बार मैं चाय की तैयारी और कर लेता हूँ। पहले यानी इस जो गर्म पानी हुआ है अंडों वाला, इसको बाहर फेंकना पड़ेगा क्योंकि गंदा पानी है। चाय के लिए फिर थोड़ा ढंग का पानी यूज़ करूँगा। इसके अंदर अब बनेगी चाय। ये भाई साहब वो चाय जो मैंने कजाकिस्तान के अंदर खरीदी थी, ये उधर आता हूँ मैं मंगेस्ताओं में कैंपिंग करने गया था ना, उसी टाइम खरीदी थी। बस इससे ज़्यादा नहीं यार, उस दिन मैंने बहुत ज़्यादा बना ली थी। अब बनेगी चाय अपनी। चाय बनने में लगभग ये मान लीजिए 15-10 मिनट तो आराम से लग जाएंगे। देख रहे हो भाई, बन चुकी है अपनी चाय। थोड़े इसके ऊपर ढक्कन लगा देता हूँ कि जो इसका अंदर का दम हो उसके अंदर ही रहे। अब आ रहे हैं सही मज़े, मस्त खुशबू आ रही है, और अब इसको 1 मिनट में कर दूँगा बंद, फिर अपनी चाय भी बन गई, खाना भी बन गया। एकदम ढंग से बंद कर दिया, तो आज का खाना भैया कम्प्लीट हो चुका है। मैं जल्दी से एक बार चाय को इसमें डाल देता हूँ, नहीं तो इसमें जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो भाई साहब अब करते हैं अपने अंडों को तैयार। अंडे ढंग से उबल जाते हैं ना तो एक बार में ये सब आसानी से उतर जाता है। अगर आपके अंडे ढंग से नहीं उबले हैं तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये शेल उतारते टाइम आपको बहुत ज़्यादा जोर आएगा, और ढंग से उबले हुए अंडों में फट्टा एक देने से उतर जाती है शेल। ये देखिए, ये एक अंडा हो गया, ये अपना दूसरा। अंडे भाई एकदम बड़े बड़े, सच में बहुत बड़े हैं। ये कट कर दिया हमारा एक अंडा, अंदर से ढंग से नहीं पकाया यार, यॉर्क थोड़ी अजीब सी लग रही है। ये हो गई मेरी चाय, काफ़ी सही है, और ये हो गई मेरी सलाद, एक गिर गया इसको फेंक देते हैं। और ये मैं कुछ समोसे लेके आया था, दो समोसे, एक समोसा अभी भी बचा हुआ है, तो आज का ये होने वाला है मेरा डिनर। कजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान इन एरियाज़ में आपको
समोसे के अंदर मीट की फीलिंग मिलेगी। जैसे नॉर्मली अपने आलू होता है ना, यहाँ पे आलू की जगह मीट होता है। मोस्टली ये मीट आपको मिलेगा बारान बोले तो मटन, बकरी या फिर भेड़ का, कई बार बीफ भी होती है। अगर आप सेंट्रल एशिया में समोसे में से खाओ तो ध्यान से खाना भाई, जो लोग बीफ नहीं खाते। पता नहीं जो अंडे की योर खाओ थोड़ी अलग टाइप की है, बाहर से अंडे एकदम पक गया, अंदर की योर कच्ची लग रही है। थोड़ी मेयोनीज भी है मेरे पास तो मेयोनीज लगा के खाता हूँ। अब मैं आप लोगों से खाने वाने के बाद मिलूँगा। कर दिया भाई सब कुछ ख़त्म, अरे बेकली बची है चाह, और चाह में अभी से ही स्वाद आ रहे हैं। पीछे जो ये म्यूज़िक चल रहा है ये है स्काई व्यू ऐप का, जब ये म्यूज़िक सुनता हूँ ना यार नेक्स्ट लेवल का ही नशा होता है। यूँ मान लो अफीम ही सुंघा दी हो जैसे किसी ने। अभी थोड़ी देर में बाहर जाऊँगा मैं, कोशिश करूँगा। आप लोगों को याद है जब मैंने जॉर्डन में कैंपिंग की थी, वहाँ पर एक मैंने वीडियो बनाई थी टाइम लैप्स मिल्की वे गैलेक्सी की, और भाई क्या फाड़ थी, वैसी वीडियो बनाने की और कोशिश करूँगा मैं। और मेरी समन से ही बात हो रही है आजकल, तो वापस ईरान जाऊंगा मैं, और अब की बार समन की फैमिली के साथ ही घूमूंगा। लेकिन यार अब की बार मैं उनको खर्चे नहीं करने दूंगा। जिन लोगों ने ईरान वाली सीरीज़ देखी होगी वो सब लोग शायद समन भाई को जानते होंगे। तो अब जब ईरान जाऊंगा सारा खर्चा मैं करूंगा, लेकिन पूछूंगा कि यार समन भाई अब तो फ्री है ना, जब समन फ्री होगा तब भाग जाऊंगा और पूरा ईरान हम भाई के साथ घूमूंगा, मज़े लेंगे भाई, कैंपिंग करेंगे नेक्स्ट लेवल वाली, और अलग अलग जगह देखेंगे ईरान की। चीयर्स गाइस। भाई अंदर मेरा मन नहीं लग रहा था तो मैं अभी नदी के किनारे आ गया हूँ। ये देखिए भाई ऐसा इस नदी का किनारा, इधर किनारे पे वो जो ड्रम सा लगा रखा था ना उधर बैठा हुआ हूँ मैं अभी। काफ़ी मज़ेदार सीन है यार, नींद नहीं आ रही थी अभी, थोड़ी देर इधर बैठने का मन कर रहा है। उसके बाद कोशिश करूँगा कि मैं मिल्की वे की फ़ोटो बनाऊँ, लेकिन तब तक मैं यहाँ बैठा हूँ। अब ठीक है, जो इसकी ब्राइटनेस थी मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी थी तो इस कारण से पूरा ही मुँह चमक रहा था। हाँ अभी नदी किनारे आके बैठा हुआ था मैं, अंदर यार नींद नहीं आ रही थी और मैं थोड़ा बोर भी हो रहा था, तो यहाँ पर आके बैठ के थोड़ी साइलेंस को एंजॉय कर रहा था। काफ़ी देर हो गई थी और अब वापस से मैं जा रहा हूँ टेंट की तरफ, एक टाइम लैप्स बनाऊँगा। थोड़े तारे वारे दिखने लग गए हैं, उतने अच्छे भी नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, एक टाइम लैप्स अच्छी खासी बन जाएगी और उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगा। तो चलते हैं वापस से। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए आपको ये टाइम लैप्स कैसे लगे? अभी जस्ट लिए थे मैंने और यार मुझे काफ़ी सही लगी। बस मैंने क्या किया, मैंने टेंट के अंदर एक रेड लाइट ऑन करके छोड़ दी थी, उससे थोड़ा मस्त इफेक्ट आ रहा था। तो लेकिन गलती क्या कर दी मैंने, थोड़ी ब्राइटनेस ज़्यादा रख दी उसकी, तो उस कारण से जो टेंट के पीछे वाली चीज़ें थी ना वो उतनी ज़्यादा ढंग से देख नहीं पाई। बाकी स्लीपिंग बैग मैंने निकाल लिया है, सारी चीज़ें रेडी हैं और अब मेरी तैयारी है सोने की। बस यार इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग।